हेलो फ्रेंड्स, हम स्वाति सिंह. हमारी पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं पीजीटी के लिए और टीजीटी, एंड जितना सिलेबस उसका पीआरटी में आता है उसके लिए ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है. बस थोड़ा सा पीआरटी में थोड़ा ब्रॉड एरिया है तो उसमें साइकोलॉजी का भी थोड़ा सा डाल दिया उन्होंने, जैसे मेंटल डेवलपमेंट और फिजिकल डेवलपमेंट, मोटर डेवलपमेंट, ये सारे क्या हैं साइकोलॉजी के पार्ट में आएंगे जो पीआरटी के लिए है. ठीक है, अब हमारा जो टॉपिक चल रहा था इसमें वो हमारे चल रहे थे इंस्ट्रक्शन मटेरियल. ठीक है, इंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मतलब निर्देशन सामग्री. हमने पहले वाले जो क्लासेस थी उनमें बात कर चुके हैं कि हमने शायद आई थिंक तीन प्रकार के, थ्री टाइप्स के हमने इंस्ट्रक्शन मटेरियल डिस्कस कर लिए थे. उसमें सप्लीमेंट्री बुक्स था और टीचर्स गाइड था और टेक्स्ट बुक थी. ठीक है, और आज जो हम बात करने वाले हैं वो ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में है. इससे पहले मेरी एक और वीडियो थी शायद, जिसके अंदर मैंने ऑडियो विजुअल एड के बारे में डिस्कस किया था, लेकिन बहुत शॉर्टली किया था उसमें, क्योंकि वहाँ पे जितना उससे रिलेटेड वहाँ पे बात करने लायक थी उतनी ही बात करी थी. ठीक है, लेकिन इंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर यानी कि निर्देशन सामग्री, आपको मेरी प्रीवियस वीडियो देख के ये तो पता चल ही गया होगा कि इंस्ट्रक्शन मटेरियल क्या होते हैं. जो टीचर पढ़ाने के लिए टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को अच्छा बनाने के लिए यूज़ करती है, ताकि उसकी टीचिंग क्या है इफ़ेक्टिव हो सके, और वो उसको स्कूल के थ्रू प्रोवाइड करी जाती है. ठीक है, वो होते हैं हमारे इंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिसमें हमारी टेक्स्ट बुक आती है, सप्लीमेंट्री बुक्स आती हैं, टीचर्स गाइड आती है जो टीचर्स को हेल्प करती है, लेबॉरिटीज आती है, क्लब्स आते हैं और ऑडियो विजुअल एड्स आते हैं. ये सारे क्या है हमारे इंस्ट्रक्शन मटेरियल है, वो हम वन बाय वन पढ़ रहे हैं. ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है, सब टॉपिक, वो है हमारा ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री. ठीक है, आज हम इसको डीपली पढ़ेंगे, क्योंकि ऑडियो जो एड्स हैं वो अलग होते हैं, आपके वीडियो एड्स अलग होते हैं, और ऑडियो विजुअल जो एड्स होते हैं वो अलग होते हैं. ठीक है, जो आपके सिलेबस में है, एक और बात, जो आपके सिलेबस में है उसमें केवल ऑडियो वीडियो एड्स दिया हुआ है. ठीक है, आप चेक करिए इंस्ट्रक्शन मटेरियल में ऑडियो विजुअल एड्स दिया हुआ है. उसमें ऑडियो के बारे में और विजुअल के बारे में मैं आपको डीपली बता दूंगी, लेकिन जो हमारा थर्ड पार्ट रह जाता है वो रह जाता है ऑडियो विजुअल एड, यानी कि दृश्य सामग्री हो गई जिनको हम देख सकते हैं, एक हो गई श्रव्य है जिनको सुन सकते हैं, एक होती है दोनों जिसमें दृश्य भी होता है श्रव्य भी होता है. ठीक है, वो वाले का पॉइंट नहीं दिया हुआ, लेकिन हम फिर भी डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि वो आता तो ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर ही है. ठीक है, तो अब बात करते हैं ऑडियो विजुअल एड्स यानी कि दृश्य और श्रव्य सामग्री. ठीक है, तो हम इसमें वन बाय वन करते हुए चलेंगे डीपली. पहला हमारा इसमें ऑडियो से रिलेटेड ले लेते हैं. ऑडियो के अंदर मैंने एक ही कैटेगरी डिवाइड करी है, चाहो तो आप इसको बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो. ऑडियो एड्स में आपके क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी. ऑडियो होता है जो हम सुन सकते हैं. अब आप सोचिए, आप सुन कौन कौन सी चीज़ सकते हैं. टेलीफोन, जैसे टेलीफोन पे क्या है, आप दूसरे की सामने वाले की बातों को केवल सुन सकते हैं, उस व्यक्ति को तो नहीं देख सकते, उसके विचारों को, उसकी बातों को सुन सकते हो, कम्युनिकेशन कर सकते हो, विचारों का आदान प्रदान कर सकते हो. तो वो क्या हुआ आपका, वो हो गया ऑडियो. ठीक है, और विजुअल एड जहाँ पे हम केवल देख सकते हैं, वहाँ पे सुन नहीं सकते, सिर्फ देख सकते हैं. ठीक है, तो अब इसके अंदर टेलीफोन आ गया, माइक्रोफोन आ गया, ग्रैमोफोन आ गया, ये सारे जो हमारे फोन टाइप के हैं वो किस में आएंगे आपके, हमारे ऑडियो में आएंगे. ठीक है, जिनको हम केवल सुन सकते हैं, लेकिन मैंने उनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया है. मैंने एक ही ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रखा है यहाँ पे, टेप रिकॉर्डर, इसको भी थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. मैंने इसीलिए इसको सब पॉइंट्स में ज़्यादा डिवाइड नहीं किया, क्योंकि बेकार में आप कंफ्यूज होंगे. आप जो मेरी प्रीवियस वीडियो थी ऑडियो विजुअल वाली, मैंने उसके अंदर ऑडियो के अंदर आपको बताया है कि जो हमारा माइक्रोफोन ग्रैमोफोन ये होता है, इनके बारे में ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाएगा आपसे, सिर्फ इतना पूछा जाएगा कि लाइक ग्रैमोफोन जो है वो आपका कौन सा एड है, तो आपको बताना होगा ऑडियो एड है या विजुअल एड है, या ऑडियो या विजुअल एड है. ठीक है, तो वो आपका ऑडियो एड है. ठीक है, जिसके अंदर फ़ोन वाली चीज़ें आपको लास्ट में सुनाई दे रही हैं वो सारे आपके ऑडियो एड्स हैं. ठीक है,
अब इसके अंदर बात करते हैं जो हमारा पॉइंट है टेप रिकॉर्डर, ये इम्पॉर्टेंट है और इसके लिए अच्छे से समझाने के लिए मैं ट्राई भी करूँगी। इसको डीपली समझना ज़रूरी है क्योंकि टेप रिकॉर्डर से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और नॉट फॉर अ TGT और PGT, PRT के लिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि PRT में आपको पता है कि प्राथमिक स्कूल जो होते हैं MCD स्कूल्स और ये सारे स्कूल्स में हमें एक स्पेशल पीरियड हमारा लगता है क्लासरूम के अंदर जो टेप रिकॉर्डर से रिलेटेड होता है। उसके अंदर क्या होता है कि एक प्रोग्राम आता है, उसको जो टीचर है क्लासरूम के अंदर बच्चों को सुनाती है, नेक्स्ट डे जब होता है उसकी रिपीटेशन होती है तो बच्चों से उसके थ्रू लर्निंग कराई जाती है। तो इसीलिए ये PRT के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें हमारा है टेप रिकॉर्डर फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, ऑडियो में। अब टेप रिकॉर्डर क्या होता है, टेप रिकॉर्डर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारा किसी भी शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए। मतलब स्कूल का जो ऐसा एनवायरनमेंट बनाया गया है जिसके अंदर हमें टीचिंग लर्निंग करवानी है, वहाँ पे अगर ऑडियो के अंदर टेप रिकॉर्डर का यूज़ किया जाता है तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में क्या है हमारी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को इफ़ेक्टिव बना सकता है और काफ़ी ज़्यादा बच्चों के लिए यूज़फुल हो सकता है। वो मैं आपको बता देती हूँ कैसे। स्कूल की एक अत्यंत मूल्यवान सामग्री टेप रिकॉर्डर है, ठीक है, स्कूल में, क्योंकि टेप रिकॉर्डर क्या है ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता है पहली बात तो, क्योंकि जितना महंगा आइटम होगा तो जो MCD स्कूल्स होते हैं, जो प्राथमिक दर के होते हैं और जो बाकी स्कूल्स होते हैं सरकारी वगैरह, वो उनको अफोर्ड कर नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा सस्ती और सबसे अत्यंत महत्वपूर्ण जो हमारी सामग्री है आपकी ऑडियो के अंदर वो टेप रिकॉर्डर है, ठीक है। शैक्षिक उपकरणों के रूप में इसका प्रयोग अत्यंत प्रभावी है, मतलब शैक्षिक जो भी हमारे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए जो हमारे एम्स और गोल्स रखे जाते हैं उनको अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यदि अध्यापक इसका उचित समय पर व उचित ढंग से प्रयोग करें, इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति की आवाज़ को किसी भी समय भर पर सुनाया जा सकता है, पुनः सुनाया जा सकता है। टेप रिकॉर्डर क्यों इम्पोर्टेंट किया जाए, एक तो ये बात रखी गई थी NCERT के थ्रू कि एज अ टीचर अगर आपको पता है कि टेप रिकॉर्डर क्या है या उसके बारे में आपको जानकारी है, आप उसको ऑडियो एड के तरह क्या है अपनी क्लासरूम में यूज़ कर रहे हो तो एक उचित समय पे उसका यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि आपको पता तो है कि टेप रिकॉर्डर क्या है और लर्निंग से रिलेटेड है लेकिन जब उसको करना चाहिए तब आपका उसका यूज़ नहीं कर रहे हो, तब वो अलमीरा में रखा हुआ सड़ रहा है, और जब यूज़ नहीं कर रहे हो तब उसको आप यूज़ कर रहे हो। तो इसीलिए एज अ टीचर ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि कब आपको टेप रिकॉर्डर का यूज़ करना है ताकि बच्चों की लर्निंग को इफ़ेक्टिव बनाया जा सके, ठीक है। और दूसरी बात कि टेप रिकॉर्डर क्या है, टेप रिकॉर्डर में किसी भी महान ज्ञानी की आवाज़ को रिकॉर्ड करके आप बच्चों को सुना सकते हो। ऐसा होता है ना कि जैसे साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर मान लीजिए मैथ्स या साइंस का कोई टीचर है, ठीक है, आपने किसी एक्सपर्ट से कुछ बात डिस्कस करी है जो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है तो आप उसको जो एक्सपर्ट है उसको तो लेकर नहीं आ सकते क्योंकि उसमें क्या होगा उनका टाइम भी जाएगा, उनको पे भी करना पड़ेगा। तो शायद वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उनकी आवाज़ को टेप रिकॉर्डर रिकॉर्ड करके नेक्स्ट डे और कभी भी जब आपको बच्चों को सुनानी हो तब आप उसको सुना सकते हो। और दूसरी बात, उसको फ्यूचर के लिए आप बहुत सिक्योर करके रख सकते हो, वो ऐसी चीज़ नहीं है कि आज सुनी, एक बार पेमेंट दी, दूसरे दिन जब बुलाएंगे तो दूसरी बार पेमेंट देनी पड़ेगी, फिर तीसरी बार देनी पड़ेगी। आप उसको एक ही बार रिकॉर्ड करके क्या हो, आप उसको 10 बार सुनाइए या 15 बार सुनाइए, ठीक है, एजुकेशन से रिलेटेड आप कितनी भी बार उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका प्रयोग चाहे तो वार्तालाप, भाषण, संवादों को सुनने के लिए किया जा सकता है, ठीक है। टेप रिकॉर्डर का यूज़ किस लिए किया जा सकता है, वार्तालाप के लिए, मतलब कन्वर्सेशन के लिए हम कर सकते हैं, संवाद के लिए हम कर सकते हैं, और भाषण के लिए जैसे डिबेट हो रही है, कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, इन सारी चीज़ों के लिए क्या है हम टेप रिकॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं। टेप रिकॉर्डर की सहायता से एक और शिक्षार्थी के विचार सुने जा सकते हैं तथा विद्यार्थी अपनी आवाज़ भरकर भी उसे सुन सकते हैं। देखिए, एक और चीज़ में हमारा जो टेप रिकॉर्डर है वो काफ़ी यूज़फुल है,
बच्चे क्या करेंगे, जैसे बच्चे अपने आप को कहीं पर प्रेजेंट कर रहे हैं, मान लीजिए आपने बच्चों को क्लासरूम के अंदर कहा कि कल आपका डिबेट का कंपटीशन है, परसों आपका डिबेट का कंपटीशन है, तो एक अच्छी सी स्पीच रेडी करिए या किसी इस पॉइंट पर कुछ बात कहिए, अपने विचार रखिए, तो बच्चों ने आपके सामने खड़े होकर अपने आप को प्रेजेंट कर दिया, वो एक टाइम के बाद क्या होगा, भूल जाएंगे। जब सेकेंड टाइम दोबारा आपको अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, जो ट्रायल्स देंगे, तो उसमें शायद हर बार कोई नई बात निकल कर आए, पुराने पॉइंट्स छूटते जाएं, ठीक है। तो वहाँ पे बच्चे क्या कर सकते हैं, अपने लिए टेप रिकॉर्डर का यूज़ कर सकते हैं, क्यों, कि उनको सेल्फ लर्निंग के लिए भी क्या होगा कि वो अपने आप को इवैल्यूएट कर सके कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा, या कुछ चीज़ गलत तो नहीं है, ठीक है, या कुछ पॉइंट्स स्किप तो नहीं हो गए। तो इसीलिए बच्चे ने अपने सामने टेप रिकॉर्डर रखा, अपनी प्रॉपर वे में स्पीच दी, ठीक है, वो सारी रिकॉर्ड हो गई, देन उसको रिपीटेशन मतलब रिपीट करके सुन सकता है बच्चा कि कहाँ पे कमी थी, मेरी बोलचाल में तो कमी नहीं थी, मेरे कॉन्फिडेंस लेवल में तो कमी नहीं थी, भाषा में क्लैरिटी थी नहीं कि शब्द मैंने कैसे उपयोग किए, या ये लाइन यहाँ पे बहुत अच्छी थी तो मैं इसको नेक्स्ट टाइम वहाँ पे प्रेजेंट करूँगा, उसको लर्निंग के लिए यूज़ कर सकता है, ठीक है। उसके बाद आता है, इस प्रकार यह रिकॉर्डिंग साधन तथा विद्यार्थियों तथा शैक्षिक संदेश पहुंचाने के लिए भी श्रवण इंद्रियों के प्रयोग की अपेक्षा करता है। देखिए, किसी भी बात को आपको कहीं और पहुंचानी है या किसी से कन्वर्सेशन करना है तो उसके लिए भी क्या है, टेप रिकॉर्डर यूजफुल है। अब टेप रिकॉर्डर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला आता है आपका माइक्रोफोन, पहला आता है आपका माइक्रोफोन, सेकंड आता है आपका एम्पलीफायर, और थर्ड आता है आपका रिप्रोड्यूसर। ठीक है, यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है टेप रिकॉर्डर को। एक हो गया आपका माइक्रोफोन, जैसे मैंने आपको बताया था माइक्रोफोन होता है, ग्रामोफोन्स होते हैं, ठीक है, ये सारे इसके अंदर आ गए, इसीलिए मैंने इनकी अलग से कैटेगरी डिवाइड नहीं करी थी क्योंकि ये सारे एक ही चीज़ है। फिर आता है आपका एम्पलीफायर, एम्पलीफायर आप लोगों ने देखा होगा, एक छोटा सा रहता है, उसके अंदर आप रिकॉर्ड कर सकते हो आवाज़, मतलब टेप रिकॉर्डर का ही पार्ट है। और उसके बाद आता है रिप्रोड्यूसर, ठीक है, वो भी टेप रिकॉर्डर का पार्ट है। अब बेसिकली मेन पॉइंट जो आपको टेप रिकॉर्डर से समझ आया वो हमारा ये है कि टेप रिकॉर्डर आवाज़ रिकॉर्ड करने के लिए यूज़ किया जाता है, और सेकंड चीज़, किसी को भी किसी की बात को लंबे टाइम तक स्थायी व रिपीटेशन के लिए किया जाता है, ठीक है। किसी की भी बात को, जिसको भी आप, जिस टॉपिक को भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो, कुछ भी रिकॉर्ड कर रहे हो, एनीथिंग एल्स, उसको क्या है, आप काफ़ी लंबे टाइम तक स्थायी करके रख सकते हो, और टेप रिकॉर्डर के माध्यम से आप किसी भी चीज़ की रिपीटेशन क्लासरूम के अंदर या बाहर गेम्स में या डिबेट में किसी भी कंपटीशन के अंदर आप करवा सकते हो, ठीक है। एक होता है आपका ऑडियो के अंदर ही रेडियो, रेडियो में क्या होता है, रेडियो में प्रोग्राम्स आते हैं तो वो बच्चों को सुनाए जाते हैं ताकि उनकी क्लासरूम लर्निंग जो है काफ़ी इफ़ेक्टिव हो सके, वो बोरिंग ना हो, ठीक है। और एक इसका पार्ट हो गया रेडियो, जो इसका सेकंड पार्ट है तो वो बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे ज़्यादा बेसिकली रेडियो के बारे में डिस्कस करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि टेप रिकॉर्डर में सिर्फ आप अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकते हो, और रेडियो के अंदर क्या है, रेडियो के अंदर प्रोग्राम्स आते हैं, जैसे आकाशवाणी हो गया, ये सारी चीज़ हो गई, मन की बात हो गई, तो वहाँ पे क्या है, जो बच्चों के एजुकेशनल से रिलेटेड प्रोग्राम्स हैं वो आप बच्चों को सुनवा सकते हो, ठीक है, वो भी आपका ऑडियो एड है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, अब इसके लाभ और उपयोगिता, मतलब इसके यूजेस क्या हैं और बेनिफिट्स क्या हैं टेप रिकॉर्डर के, ठीक है। टेप रिकॉर्डर क्यों यूज़ किया जाता है क्लासरूम के अंदर ऑडियो में, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि हम बच्चों के लिए इसको इफ़ेक्टिव बनाने के लिए टीचिंग को यूज़ करें। सबसे पहला आता है इसमें उच्चारण में सुधार। अब उच्चारण में किस प्रकार से सुधार हो सकता है कि टेप रिकॉर्डर के अंदर बच्चा क्या है, अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर सकता है, ठीक है। अगर उसने कुछ गलत बोला तो नेक्स्ट टाइम क्या है, उसको करेक्ट करने के लिए बच्चा सोचता है। मान लीजिए मुझे
मैं एक क्लास में हूँ, किसी क्लास की स्टूडेंट हूँ, और मुझे बोला गया है कि दशहरे पे कुछ स्पीच दो या दशहरे के बारे में बोलिए। मैंने टेप रिकॉर्डर का यूज़ करते हुए क्या किया, दशहरे के बारे में अपने जो विचार थे वो बात उसके अंदर रिकॉर्ड कर ली। लेकिन जब मैंने सुना उस चीज़ को तो वहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ गलती लगी कि यहाँ पे ये लाइन नहीं बोलनी चाहिए थी, ये शब्द यहाँ पे गलत था, या यहाँ पे मैं नर्वस हो रही थी, यहाँ पे लड़खड़ा रही थी मेरी जबान। तो इसीलिए ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, बच्चों के लिए उच्चारण में सुधार करने के लिए टेप रिकॉर्डर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव और यूज़फुल है, जिससे बच्चे क्या है बिना डरे। ऐसा भी नहीं है कि टीचर के सामने उनको आवाज़ रिकॉर्ड करनी है कि वो हेजिटेशन फील करें या कुछ और, वो पर्सनली भी अपने घर पर भी, बाथरूम में, अपने रूम में, कहीं पर भी ऐसे एनवायरनमेंट के अंदर जहाँ पे वो हेजिटेशन फील ना करें, वहाँ पे क्या है टेप रिकॉर्डर का यूज़ करके अपनी स्पीच और बात को रिकॉर्ड कर सकते हैं, बाद में उसको सुनकर क्या है उच्चारण में अपने सुधार कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आयोजित कार्यक्रमों की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब टू रिकॉर्ड प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑर्गेनाइज प्रोग्राम्स। जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं वो क्या है आपके एनेक्डोंटल हो या आपके समेटिव हो, फॉर्मेटिव्स हो, उन सभी को रिकॉर्ड करने के लिए क्या है टीचर उसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे, मान लीजिए क्लासरूम के अंदर साइंस का फॉर एग्जांपल, साइंस में टीचर वाइवा ले रही है, ठीक है, और वाइवा के टाइम पे वो अपना टेप रिकॉर्डर स्टार्ट करके रख देती हैं, तो वो क्या है वन बाय वन सभी बच्चों की जब आवाज़ को रिकॉर्ड करेगी तो उसको एजुकेशनल से भी रिलेटेड यानी कि समेटिव से भी उसको, अगर बच्चे को टीचर भूल जाती है उस समय मार्क्स देना या कोई किसी बात का करेक्शन नहीं लगता, तो वो टेप रिकॉर्डर की सहायता से दोबारा उनकी आवाज़ को रिकॉर्ड की हुई को दोबारा सुन के क्या है मार्क्स में करेक्शन कर सकती है, बच्चों को सुनवा सकती है। कई बार ऐसे होता है ना कि आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कुछ चीज़ें, राइट, जैसे बच्चा टीचर के सामने अपने आप को प्रेजेंट करता है तो बच्चा सोचता है मैंने तो बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, मैंने तो बिल्कुल सही आंसर दिया, तो मेरे इतने कम मार्क्स कैसे आ गए, तो फिर मैम से वो पूछता है कि मैम मैंने तो इतना अच्छा किया था, मेरे कम मार्क्स कैसे आए हैं वो। तो वहाँ पे क्या है अगर टीचर बोलेगी कि नहीं आपने वहाँ पे गलती की, ये गलती की, तो बच्चा उस टाइम पे शायद ना समझे, उसको लगे कि मैम पार्शियलिटी कर रही हैं, तो इसीलिए आप वहाँ पे उस टाइम ऑन द स्पॉट टाइम जो आपने ऑर्गेनाइज करी थी कोई एक्टिविटी या वाइवा ऑर्गेनाइज किया था उसको रिकॉर्ड किया था, आप वहाँ पे बच्चों को सुना सकते हो कि देखो आपने ये आपसे पूछा गया था, आपने ये आंसर किया, ठीक है। तो किसी भी एक्टिविटी को या फिर ऑर्गेनाइज सिस्टम को रिकॉर्ड करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ग्राउंड्स में एक्टिविटीज़ होती हैं, स्पोर्ट्स होते हैं और प्राइज डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, उनको फ्यूचर में बाकी और बच्चों को जो उनके जूनियर्स आएंगे, बाकी सब आएंगे, उनको सुनाने के लिए आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, ताकि बच्चों का मोटिवेशन लेवल बढ़े, ताकि बच्चे सोचें कि मेरे सीनियर्स इतने अच्छे थे इस फील्ड में थे तो हम भी ऐसे ही करेंगे, हम उनसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म करके दिखाएंगे। तो उस वे में भी क्या है आप वहाँ पे किसी भी ऑर्गेनाइज एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर सकते हैं टेप रिकॉर्डर के माध्यम से, ठीक है। थर्ड यूज आता है इसका समाज के लिए सहायक, हेल्पफुल फॉर दी सोसाइटी। अब कैसे हेल्प करती है सोसाइटी की, अब सोसाइटी की कैसे हेल्प करती है, आपको पता है मतलब जो एजुकेशन है हमारी, जो आपको शिक्षा दी जा रही है, उसमें जब हमने पेडागोजी स्टार्ट करी थी, एजुकेशन का पॉइंट पढ़ा था, उसके अंदर पहली बात मैंने यही बोली थी कि एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो विद्यार्थी को यानी कि स्टूडेंट्स को सामाजिक बनाए या समाज में उसके समायोजन के लिए हेल्प करे, ठीक है। तो अगर एजुकेशन ही बच्चे को ऐसी नहीं जाएगी कि वो अपने आप को सोसाइटी में कहीं स्टैंड ना कर पाए या उसके नॉर्म्स को फुलफिल ना कर पाए, तो बेकार है ऐसी एजुकेशन का, राइट। तो इसीलिए टेप रिकॉर्डर वहाँ पे भी काफ़ी यूजफुल है कि बच्चे के बारे में अपनी सोसाइटी को पूरी जानकारी मिलती है कि हमारा बच्चा कितना अच्छा है या किस चीज़ में अच्छा कर रहा है, कहाँ पर कमी है, कहाँ पर उसको मोटिवेशन के लिए ज़रूरत है, ठीक है। उसके बाद आता है रेडियो के प्रयोग की समस्या को दूर करने में सहायक, मतलब हेल्पफुल इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इन यूजिंग रेडियो, ठीक है। रेडियो के लिए
रेडियो के लिए क्या होता है कि रेडियोज़ में क्या होता है, बेसिकली प्रोग्राम्स आते हैं। आपने एफएम और रेडियोज़ तो सुने होंगे, आप सभी को पता होगा कि रेडियो क्या होता है। उसमें प्रोग्राम्स सेट होते हैं, वो कुछ अपनी बात नहीं कहनी पड़ती है वहाँ पे टाइमिंग होता है हर चीज़ का, एक टाइम टेबल होता है कि इतने बजे यही वाला प्रोग्राम आएगा, इतने बजे यही वाला प्रोग्राम आएगा, ठीक है। वहाँ पे आप अपने अकॉर्डिंग क्या है कुछ भी चेंज नहीं कर सकते हो। तो एक रेडियो का ये एक ऐसा कमज़ोर पॉइंट है जिसको कम करने के लिए टेप रिकॉर्डर का यूज़ किया गया था। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मान लीजिए आप रेडियो में राहुल माकिन का शो सुनते होंगे, राइट? राहुल माकिन का शो वो 9 से 12 के बीच आता है, समथिंग, आई थिंक मंडे टू फ्राइडे, नॉट श्योर। तो जो भी उसका शो आता है राहुल माकिन का, तो जिसने एक दिन का स्किप कर दिया वो सेकेंड डे तो उसको नहीं सुन सकता, क्योंकि उसका एक टाइम टेबल सेट है कि इतने से इतने बजे ही आएगा और रिपीटेशन प्रोग्राम नहीं आएगा, ठीक है। तो हर एक किसी चीज़ का टाइम टेबल सेट है, रेडियो के अंदर आप उसको रिपीट नहीं कर सकते। लेकिन टेप रिकॉर्डर के अंदर क्या है, आप उसको रिपीट कर सकते हो। अब अगर बच्चे नहीं हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मान लीजिए स्कूल के अंदर कोई एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी ऑर्गेनाइज करी गई है, कोई स्पोर्ट्स डे है, या फिर बच्चों को भ्रमण के लिए बाहर ले जाया गया है कि दिल्ली भ्रमण करवाना है, कुछ लेबोरेटरीज़ के काम से बाहर लिया लेके जाया जा सकता है, या उनका हाफ डे कर दिया जाता है, रिपब्लिक डे है, या कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से रेडियो पर जो उनका एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम आ रहा है वो मिस हो जाता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में टीचर क्या करेगी कि उस टाइम का जो भी प्रोग्राम आ रहा होगा उसको सेट करके प्ले करके क्या है टेप रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लेगी उस टाइम पे, और बच्चों को नेक्स्ट डे क्या है उसको रिपीट करवा के उनको सुनाकर उस टाइम की सारी जानकारी बच्चों को दे दी जाएंगी। तो वहाँ पे क्या होगा, बच्चों का कोई भी प्रोग्राम भी मिस नहीं होगा और उनकी बाकी अदर एक्टिविटीज़ भी क्या है कंटिन्यू होती रहेगी, ठीक है। तो रेडियो की इस वाली कमी को पूरी करने के लिए टेप रिकॉर्डर का यूज़ किया गया था कि टेप रिकॉर्डर इस चीज़ में बच्चों के लिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। उसके बाद आता है अभ्यास के लिए प्रयोग। अब मैंने आपको बता दिया कि बच्चे के लिए कैसे रिपीटेशन के लिए और प्रैक्टिस के लिए काफ़ी यूज़फुल है टेप रिकॉर्डर, कि बच्चा अपने द्वारा जो भी विचार प्रयोग करता है, जो भी डिबेट करता है, कन्वर्सेशन करता है, या फिर टीचरों की कोई बात रिकॉर्ड की जाती है जो बच्चे को पॉइंट से रिलेटेड, अपने कंटेंट से रिलेटेड चाहिए, तो बाद में क्या है बच्चा उसको प्रैक्टिस के माध्यम से बार बार सुन सकता है। एक बार सुनी नहीं समझ आया, दूसरी बार सुनी नहीं समझ आया। अब अगर आप मेरी वीडियोस भी देखते हैं तो एक बच्चे को तो शायद बहुत जल्दी समझ आता हो कि एक बार ही देखनी हो। कुछ ज़्यादा सुपीरियर बच्चे होंगे कि उनको देखने की ज़रूरत नहीं है, स्टार्टिंग देखा, लास्ट देखा, बात ख़त्म, ऑडियो विजुअल देखकर ही समझ जाएंगे कि क्या बोलना है, ठीक है। और कुछ बच्चे होंगे जो एक बार देखेंगे, दोबारा प्रैक्टिस करेंगे, तिबारा प्रैक्टिस करेंगे, तब जाके क्या है उसमें बिल्कुल शार्प हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए टेप रिकॉर्डर क्या है प्रैक्टिस के लिए काफ़ी यूज़फुल है, अभ्यास के लिए, कि आप उसको बार बार प्ले करके क्या है आप उसको रिपीट कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। अब आप इसको रेडियो में तो नहीं कर सकते, रेडियो में मान लीजिए राहुल माकिन ने कोई आपका फेवरेट सॉन्ग चला दिया कि चलिए इससे रिलेटेड आपका ये फेवरेट सॉन्ग है, आप उस टाइम पे तो उस सॉन्ग को सुन लोगे कि बहुत अच्छा है, बहुत रोमांटिक है, अच्छा लग रहा है, फीलिंग अच्छी आ रही है, तो उस टाइम पे तो सुन लोगे। लेकिन जब वो गाना ख़त्म हो जाएगा और आपका मन करेगा कि नहीं यार एक और बार सुनना है, तो क्या करोगे, गाना तो ख़त्म, नेक्स्ट उसमें क्या होगा, वो सेकेंड कुछ ही अनदर सॉन्ग ही प्ले करेगा ना। तो वहाँ पे क्या है, वो आपकी एडवाइस या वो नहीं करेगा कि नहीं आपका मन कर रहा था, ठीक है, उस लड़की का मन कर रहा है, मैं दोबारा चला दूँ, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो वहाँ पे क्या है, आपका टेप रिकॉर्डर का यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है कि आप उसकी बात को, उसकी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लो, देन आपको जब भी लगे या मन करे उसको आप प्रैक्टिस के लिए या किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो, उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है बालकों की प्रसन्नता देना, मतलब गिव्स प्लेजर टू चिल्ड्रन।
अब इसके अंदर क्या होता है कि बच्चों को कैसे प्लेजर देना है, कैसे बच्चों को प्रसन्नता करनी है, बच्चों की प्रशंसा करनी है, बच्चों को गुड वेरी गुड बोलना है, तो इसमें क्या होता है कि टेप रिकॉर्डर के माध्यम से जब बच्चा अपनी आवाज़ रिकॉर्ड कर लेता है, मान लीजिए उसको टीचर के सामने हेजिटेशन हो रही है कोई टॉपिक पे बोलने में, और उसने पर्सनली जाके रिकॉर्ड कर लिया, फिर मैम ने सुना तो मैम ने को काफ़ी अच्छा लगा कि वेरी गुड, आपने तो बहुत अच्छा किया है, तो टीचर वहाँ पे क्या है उसको और मोटिवेट करने के लिए कि उसकी हेजिटेशन को निकाल सके या ऐसी चीज़ें कर सके कि बच्चा क्या है सबके सामने अपने आप को रिप्रेजेंट कर सके और बाकी बातों में भी अपने आप को अच्छे से क्या है इस चीज़ को रख सके। तो वहाँ पे क्या करेगी टीचर, बच्चे को मोटिवेट करने के लिए वहाँ पे गुड वेरी गुड यूज़ करेगी, बच्चे को और उसकी प्रशंसा करेगी कि आपने बहुत अच्छा किया, मेरे को तो इतना पसंद आया, मैंने एक बार सुना, दो बार सुना। आप कई बार ऐसे करते हो ना कि आपको मान लीजिए नेहा कक्कड़ का कोई बहुत फेवरेट सॉन्ग लगने लगता है, एक बार मतलब आपने कभी सुना नहीं होता लेकिन आपने फर्स्ट टाइम सुना कि यार कितना प्यारा गाया है, लिरिक्स कितने अच्छे हैं, तो आप उसको बार बार सुनते हो, राइट। तो वो अपनी फ्रेंड से भी शेयर करते हो, यार नेहा कक्कड़ का वो वाला सॉन्ग कितना प्यारा है, कितने प्यारे लिरिक्स है, करते हो ना हमेशा ऐसे। तो वैसी ही कंडीशन क्या हो गई टीचर स्टूडेंट के बीच में हो गई कि जब स्टूडेंट क्या है रिकॉर्ड कर लेगा अपनी बात को, तो जब टीचर उसको सुनेगी तो टीचर को भी शायद इतना इफेक्टिव लग सकता है उसको एक बार सुने, दो बार सुने, तीन बार सुने, और वो बच्चे को उसी रूप में क्या है और मोटिवेटेड करे, यार आपने बहुत अच्छा किया, आप सबको सुनाओ और इतना बेस्ट रहा, फिर वो क्या है क्लासरूम के सामने प्रेजेंट करेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या है बच्चे को मोटिवेट करने के लिए और बच्चे को प्लेजर प्रोवाइड करने के लिए आप क्लासरूम के अंदर टेप रिकॉर्डर का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वार्तालाप पुस्तकालय यानी कि टेप लाइब्रेरी। उसके बाद आता है 7 पॉइंट, वार्तालाप पुस्तकालय यानी कि टेप लाइब्रेरी। टेप लाइब्रेरी क्या होती है, जैसे आपकी लाइब्रेरी होती है सिंपल, तो सिंपल लाइब्रेरी में आप क्या करते हो कि जाके देखते हो कि डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स होती हैं, ठीक है। एक सब्जेक्ट से रिलेटेड 10 बुक होगी, 1000 बुक्स होगी, अलग अलग राइटर्स की होगी, नंबर ऑफ कॉपीज़ ज़्यादा हो सकती है कि एक बुक की 5 कॉपीज़ हैं, सब बच्चों के लिए 10 कॉपीज़ हैं, 20 कॉपीज़ हैं, ठीक है। तो वो क्या हो गई आपकी लाइब्रेरी हो गई, जहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की पुस्तक मिल सकती है, क्या है वो आपकी एजुकेशनल से रिलेटेड हो, क्या आपको नॉवल पढ़ना हो, कुछ मनोरंजक चीज़ें सीखनी हो एंटरटेनमेंट के लिए, वो सारी चीज़ें। ऐसे ही आपकी टेप लाइब्रेरी हो गई यानी कि टेप पुस्तकालय हो गई। उसके अंदर क्या किया जाता है कि जो भी बातें या जो भी महान पुरुष या किसी भी उसकी चीज़ें डिबेट या साइंस, आप साइंस एग्जीबिशंस में जाते हो, वहाँ पे किसी ने कुछ लेक्चर अच्छा दिया है उनको रिकॉर्ड कर लेते हो कुछ, तो उनका क्या है कैसेट के रूप में उनको स्टोर करके रखा जाता है कि अगर मान लीजिए एक टॉपिक पे, फॉर एग्जांपल कि मैं ऑडियो विजुअल एड्स के बारे में आपको क्या है लेक्चर दे रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ पे भी रिकॉर्डिंग हो रही है, यहाँ पे भी मेरे द्वारा जो बोली जा रही है बात उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो वो लाइफ टाइम के लिए क्या है स्टोरेज में आ जाएगी, वो आपको ऑलवेज क्या है यूट्यूब पे दिखाई देगी, ठीक है। आप उसको आज से 10 साल बाद भी सर्च करोगे तो भी वो उतनी ही अच्छी क्वालिटी में और सेम बात क्या है आपको उस वीडियोज़ के अंदर मिलेंगी, राइट। तो ऐसी ही चीज़ें क्या हैं टेप लाइब्रेरीज में रखी जाती है कि मैं किसी साइंस एग्जीबिशन के अंदर गई, किसी बहुत एक्सपर्ट टीचर, बहुत एक्सपीरियंस जो हमारे कोई साइंटिस्ट आए हुए थे या कुछ, तो उनकी बात को रिकॉर्ड कर लिया, वो बच्चों के लिए क्या है टेप लाइब्रेरी के अंदर स्टोर करके रख दी गई, जब बच्चों को उनका यूज़ लगेगा तो बच्चे क्या है उनको लेकर सुन सकते हैं, ठीक है। इसके लिए क्या है टेप रिकॉर्डर का यूज़ किया जाता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है आपका 8th पॉइंट, विद्यार्थियों की हिचकिचाहट को दूर करना यानी कि टू रिमूव द हेजिटेशन ऑफ स्टूडेंट्स। अब मैंने टेप रिकॉर्डर के माध्यम से अभी तक बहुत बार डिस्कस कर ही लिया कि बच्चों की हेजिटेशन को आप कैसे दूर कर सकते हो। क्लासरूम के अंदर किसी बात को प्रेजेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है क्योंकि उस टाइम पे क्या है बच्चा
अपने आप को प्रॉपर वे में प्रेजेंट नहीं कर पाता, थोड़ी हेजिटेशन होती है। अगर मैं भी यहाँ पे खड़ी हूँ, मेरे सामने हज़ार बच्चे बैठे हो या मुझसे सीनियर्स बैठे हो या मेरे लेवल के भी बैठे हो ना, तो कहीं ना कहीं एक आधा परसेंट मेरे को भी हेजिटेशन होगी कि पता नहीं उनको समझ आ रहा होगा नहीं आ रहा होगा, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, कुछ दिमाग में और तो नहीं चल रहा होगा, कैसे पता नहीं मुझे जज कर रहे होंगे। तो ये सारे बच्चे जब प्रेजेंटेशन के टाइम पे बच्चे के दिमाग में आती है, तो बच्चा क्या है एक आधा पॉइंट वहां पे नर्वस हो ही जाता है। ठीक है, अब ये तो हमने पढ़े यूजेस एंड बेनिफिट ऑफ टेप रिकॉर्डर, जो आपके इसके साथ साथ माइक्रोफोन, एम्पलीफायर, प्रोड्यूसर और रिप्रोडक्शंस के भी रिप्रोड्यूसर के भी क्या हैं बेनिफिट्स हैं, क्योंकि वो भी उसके पार्ट्स हैं। तो इसलिए मैं अलग अलग नहीं आपको समझाऊंगी और इनके बारे में भी इतना डीपली नहीं आएगा, सिर्फ यही पूछा जाएगा अगर आपसे कभी पूछा जाए कि एम्पलीफायर क्या है, आपका ऑडियो विजुअल इज है कि क्या है, तो आप वहाँ पे आंसर करेंगे कि ऑडियो है। ठीक है, ये पूछा जा सकता है कि, और ये भी पूछ सकते हैं कि एम्पलीफायर किसका पार्ट है, तो टेप रिकॉर्डर का पार्ट है। ठीक है, तो वहाँ पे आप टेप रिकॉर्डर का टाइप है एम्पलीफायर, ठीक है, वहाँ पे आप आंसर कर सकते हैं। अब इसके बाद पढ़ते हैं लिमिटेशंस यानी कि सीमाएं। अब आपको पता है किसी भी चीज़ की अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होंगे, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होता है कि हर चीज़ के फ़ायदे ही फ़ायदे हो, नुकसान ना हो। ठीक है, अब आपने अभी अभी दिवाली मनाई, तो दिवाली में भी क्या था, क्रैकर्स फोड़े और ये सारी चीज़ें करी, तो उसके फ़ायदे भी होते हैं और उसके नुकसान भी होते हैं। तो क्रैकर्स से क्या होती है कि बहुत ज़्यादा बच्चों को इन्जॉयमेंट मिलता है, खुशी मिलती है, और उसके बाद और चीज़ें क्या हो सकती है कि क्रैकर्स से पोल्यूशन काफ़ी फैलता है, एनवायरमेंट हमारा हार्मफुल होता है। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपके फ़ायदे भी हो गए और नुकसान भी हो गए। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन पढ़ते हैं टेप रिकॉर्डर की, फटाफट से पढ़ लेते हैं। तो लिमिटेशंस में आता है पहला पॉइंट, टेप रिकॉर्डर एक महंगा उपकरण है और प्रत्येक स्कूल इसे खरीदने के लिए तैयार नहीं होता है। ठीक है, मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था आपको कि काफ़ी इजीली मिल जाता है और सस्ता होता है। ठीक है, वहाँ पे मेरे से गलती हो गई, क्योंकि रेडियो थोड़ा सस्ता होता है, टेप रिकॉर्डर थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, रेडियो थोड़ा सस्ता होता है टेप रिकॉर्डर से, और टेप रिकॉर्डर क्या है थोड़ा महंगा होता है, इसीलिए सारे स्कूल्स क्या है उनको अपने द्वारा यूज़ करने में हिचकिचाते हैं। और आगे शायद ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए वो ऐसा तो है नहीं कि मेरी मर्जी है टेप रिकॉर्डर खरीद लूँ, नहीं मेरी मर्जी है मैं तो एंड्रॉयड फ़ोन खरीद लूँ, वो क्या है जब तक आपको गवर्नमेंट क्या है उसके लिए अप्लाई नहीं करेगी या आपको बोलेगी नहीं कि हाँ आप उसका यूज़ कर सकते हैं क्लासरूम टीचिंग के अंदर, आप भी क्या है उसको यूज़ नहीं करोगे। तो इसीलिए टेप रिकॉर्डर अगर आप एक नंबर के हिसाब से देखा जाए तो शायद सस्ता पड़ सकता है, लेकिन आपको एक बल्क के रूप में देखना है, क्योंकि यहाँ पर मतलब दिल्ली में ऐसा तो है नहीं कि एक सरकारी स्कूल है और एक स्कूल के अंदर एक ही क्लास है, एक स्कूल के अंदर पता नहीं कितनी क्लासेस होंगी, सबके लिए टेप रिकॉर्डर चाहिए, और पता नहीं कितने स्कूल होंगे उन सबके लिए टेप रिकॉर्डर चाहिए। तो अगर एक बल्क में देखा जाए तो काफ़ी महंगा खर्चा इसके ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो इसीलिए टेप रिकॉर्डर के जगह प्राथमिक स्तर पर और बाकी जगहों पर क्या है रेडियो का यूज़ ज़्यादा किया जाता है। ठीक है, उसके बाद समय समय पे इसके ख़राब हो जाने का भय बना रहता है, मतलब टाइम टाइम पे थोड़ा डर रहता है कि ख़राब हो गया तो फिर ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, फिर यूज़ नहीं होगा, फिर ठीक करने वालों को बुलाया जाएगा, उसके लिए एप्लीकेशन दी जाएगी, अप्रूवल दिया जाएगा, देन कोई आएगा, तो महीने दो महीने क्या है उसमें ऐसे बीत जाते हैं। तो इसीलिए सेकेंड इसका डीमेरिट ये है कि ख़राब होने के क्या है ज़्यादा चांसेस इसके अंदर रहते हैं, और अध्यापक इसकी मरम्मत से डरता है क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि अभी तो एक चीज़ ख़राब हुई है, मैंने लेकर पेचकस इसके अंचर पंचर खोल दिया, अभी तो एक है लेकिन जो क्या है बाद में ठीक करने के बाद मुझे पता चल रहा है कि उसके तो सारे ही पार्ट खराब हो गए। ठीक है, तो इसीलिए टीचर भी उसमें एक्सपर्ट नहीं होती है या फिर उसको यूज़ करने से या उसको ठीक करने से क्या है थोड़ा डरती है। थर्ड पॉइंट आता है, अधिक उपयोग करने से अध्यापक निष्क्रिय हो जाता है, मतलब अगर आप किसी भी चीज़ का ज़्यादा यूज़ करेंगे तो आप उससे एक टाइम पे तो बोर हो ही जाएंगे।
ठीक है, अगर मेरी वीडियो को भी आप एक बार सुनेंगे इंटरेस्टिंग लगेगी, सेकंड टाइम आपने सुन ली कि चलो रिपीटेशन हो जाएगी, अब आप उसको एक दिन में 10 बार सुनोगे तो आप भी पक जाओगे, ठीक है। तो किसी भी काम को, अगर आपका कोई फेवरेट काम भी होगा ना, कि जैसे कुछ बॉयज़ को जिम जाना बहुत पसंद है, कुछ गर्ल्स को सिंगिंग और डांसिंग करना बहुत पसंद है, तो एक दिन में वो हार्डली कितना कर लेगी, एक बार करेगी, दो बार करेगी, तीन बार करेगी, चौथी पाँचवीं बार वो भी थक के कहती है कि बस मुझसे नहीं होगा, मैं तो थक गई, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी काम को बार बार करने से क्या होगा, निष्क्रियता आती है, कि मतलब मेरे को बोरियत आ रही है, बोरिंग फील होगा, ठीक है। तो टेप रिकॉर्डर के बार बार वही सेम रिपीटेशन करने से क्या होगी, एक टाइम पे बोरियत आ जाएगी क्लासरूम के अंदर भी और टीचर के अंदर भी। उसके बाद बिजली के अभाव में भी इसका प्रयोग संभव नहीं है, मतलब अगर लाइट नहीं होगी क्लासरूम के अंदर तो टेप रिकॉर्डर को वहाँ पे क्या है, आप यूज़ नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक बार को रेडियो को तो यूज़ कर सकते हो, नहीं शायद रेडियो भी क्या है, आपकी प्लग से यूज़ होती है, और कुछ रेडियोज ऐसे भी हैं जो आप वैसे यूज़ कर सकते हो, जैसे फ़ोन के अंदर आते हैं अब आपके, तो उनको क्या है, आप एक बार चार्ज करके उसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है, वो भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो टेप रिकॉर्डर क्या होते हैं, आपके बेसिकली बिजली से चलने वाले उपकरण होते हैं, और उनमें क्या होता है, अगर बिजली की पूर्ति नहीं है या उस टाइम पे बिजली नहीं आ रही है जिस टाइम पे बच्चों को आपको वो लेक्चर प्रोवाइड कराना है, समझाना है, या बच्चों के लिए उपयोगी है, तो उस टाइम पे अगर आप उसका यूज़ नहीं कर पा रहे हो तो बेकार है, उसका बाद में यूज़ करके क्या करोगे, ठीक है। तो इसीलिए बिजली के अभाव में भी उसको यूज़ करना हमारे लिए एक डीमैरिट। उसके बाद बात करते हैं फिफ्थ पॉइंट, इसके गलत उपयोग के लिए भी संभावनाएं क्या है, बनी रहती है। अब गलत उपयोग के लिए कैसे बनी रहती है, कि हो सकता है जो बात हमें रिकॉर्ड करनी थी वो बात रिकॉर्ड करके ना कुछ और बात रिकॉर्ड कर ली गई हो, बच्चों के द्वारा शरारतें कर दी गई हो, कि बच्चों ने क्या किया, मैम किसी काम से टेप रिकॉर्डर रख के क्लासरूम के अंदर, मैम किसी काम से स्टाफ रूम के अंदर गई हैं, ठीक है, तो बच्चों ने क्या करा, शरारत करने लग गए, झगड़ा करने लग गए, एब्यूजिंग करने लग गए, तो बच्चे ने क्या, वो सारी बातें क्या रिकॉर्ड कर ली, कि मैम को बाद में सुनाऊंगा, शिकायत करूंगा, या कुछ गलत काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, आपके डीमेरिट के अंदर आते हैं। उसके बाद लास्ट पॉइंट है डीमेरिट के अंदर, इसको कक्षा में बार बार जाने, ले जाने व लाने से ख़राब होने का भय होता है, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को, अगर मेरे पास कोई बुक भी है ना, तो अगर इस बुक को भी मैं दिन में 10 बार खोलूँगी बंद करूँगी, तो भी इसके पन्ने फटने का, इसकी जिल्द यानी कि बाइंडिंग ख़राब होने का, कलर फेड होने का क्या है, डर रहता है, ठीक है। तो इसीलिए आप किसी भी चीज़ को बार बार स्टाफ रूम से लेके आ रहे हो, तो उसका भी गिरने का, टूटने का, उसमें कुछ लॉसेस होने का क्या है, डर रहता है, ठीक है। ये भी इसका एक डीमेरिट पॉइंट है। अब लास्ट इसके अंदर हम डिस्कस करते हैं टेप रिकॉर्डर का प्रयोग कैसे करें, मतलब हाउ टू यूज़ अ टेप रिकॉर्डर। अब आपको इसके फ़ायदे पता चल गए, नुकसान पता चल गए, अब आपको ये भी पता होना चाहिए ना कि इसका यूज़ कैसे करना है, कैसे टेप रिकॉर्डर को यूज़ करना है, ठीक है। तो इसका उपयोग करना यानी कि इसका यूज़ करना थोड़ा बहुत ही सिंपल है, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं, 6 स्टेप हैं। फर्स्ट है, इसका प्रयोग करते समय इसे सदा समतल और सख्त धरातल पर उचित स्थिति में रखिए, मतलब आप कभी भी टेप रिकॉर्डर का यूज़ कर रहे हैं तो एकदम फ्लैट डेस्क लीजिए, या कोई भी ऐसी मेज या टेबल होनी चाहिए जो ऊबड़ खाबड़ ना हो, मतलब अगर ऐसी है तो आधा तो यहाँ पे पोशन आ जाएगा और आधा यहाँ से चला जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए सिंपल होना चाहिए, किसी भी आप टेबल पे इसको रखो तो वो स्मूथ होनी चाहिए, प्लेन होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, कि उस टेबल पे आपको इसको रख के उपयोग करना है। सेकंड आता है इसमें, इसे ऐसे स्थान पर रखना चाहिए जहाँ से कक्षा के सभी विद्यार्थियों को स्पष्ट सुनाई दे। अब आपको पता है कि क्लासरूम या आपका कमरा, आपको पता है ऐसा तो नहीं है ना कि यहाँ पे आपकी टीचर खड़ी है और यहाँ पे बस क्लासरूम ख़त्म है, इतने में ही आपके सारे बच्चे आ गए। आपके बच्चे शायद ऐसे कमरा होता है तो यहाँ पे भी बैठे हैं, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, पीछे भी बैठे हैं। तो क्या है, अगर आप यहाँ पे रख दोगे
तो शायद इतने वाले बच्चों को समझ आ सकता है, मिडल वालों को ना समझ आए, और या मिडल तक समझ आए तो लास्ट वालों को सुनाई ना दे। तो आप इसीलिए टेप रिकॉर्डर का जब भी यूज़ करो, आप ट्राई करो कि जो कमरा है उसके बीचों बीच एक टेबल पर या किसी बच्चे की डेस्क स्पेस को यूज़ करें, ताकि आस पास में गोलाई में जितने भी बच्चे बैठे हैं सबको एक प्रॉपर वे में उसकी आवाज़ सुनाई पड़े, ठीक है। उसके बाद आता है, अध्यापक को टेप रिकॉर्डर के विभिन्न क्रिया निर्देशकों और नियंत्रण बटनों की जानकारी होनी चाहिए। मतलब टेप रिकॉर्डर यूज़ करते टाइम पहले ही टीचर को ये चीज़ पता होनी चाहिए कि स्टॉप का बटन कौन सा है, पुश का बटन कौन सा है, स्टार्ट करने का बटन कौन सा है, रिपीट करने का बटन कौन सा है, बैक जाने का कौन सा है, आगे जाने का कौन सा है। जब तक टीचर को ये सारी जानकारी नहीं होगी, टीचर के लिए क्या है, ये सारी चीज़ें यूज़ करना बेकार है। क्योंकि हो सकता है कि क्लासरूम में जब आप किसी बात को सुना रहे हो या बता रहे हो, तो किसी बच्चे ने उस चीज़ को बहुत अच्छे से सुना, किसी ने नहीं सुना, तो आपसे बोल सकता है कि मैम पीछे वाला पॉइंट समझ नहीं आया, प्लीज़ बैक कर दीजिए, प्लीज़ पीछे वाला पॉइंट दोबारा सुना दीजिए। तो आपको वहाँ पे क्या है, बच्चों के लिए उसको बैक करके सुनाना पड़ेगा, या आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लग रहा है कि इस टीचर ने या ये वाली बात बच्चों को दोबारा बतानी चाहिए, इंपॉर्टेंट है, या बच्चे इसको नोट कर ले, तो आप उसको स्टॉप करके दोबारा रिपीट करके चला सकते हो कि इसको ध्यान से सुनना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में डिस्कशन कर सकते हो रोक के कि इसलिए इंपॉर्टेंट है ये चीज़ है, और इसको नोट कर लो, तो उसको दोबारा प्ले कर सकते हो। तो इसीलिए टीचर को टेप रिकॉर्डर के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, टेप रिकॉर्डर की रिकॉर्डिंग के करते समय गति नियंत्रण पर दबाव देना चाहिए। मतलब रिकॉर्ड करते समय आपको अपनी वॉइस टोन और ये सारी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, और एक जो स्पीड होती है उस पर भी ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि जब भी आप रिकॉर्ड कर रहे हो कुछ भी चीज़ तो उसमें ये ना करें कि एक लबालब बोलते रहे कि तकड़ बोल दिया, बच्चों को समझ आए ना समझ आए, या फिर इतने धीरे भी नहीं बोलना है कि एक बात को इतना सो के बोले कि टेप अब बोल रहे हैं, दो मिनट के गैप लेने के बाद रिकॉर्ड तब बोल रहे हैं, ठीक है। तो इतना भी ना हो कि बच्चों को एक लेक्चर सुनने में 10 घंटे लग जाएँ या वो बीच में ही सो जाए। तो इसीलिए आपकी स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए, ऐसी होनी चाहिए कि बच्चों को प्रॉपरली समझ आए, और इस वे में होनी चाहिए जैसे आप समझा रहे हो, ये नहीं कि किसी किताब को लेके बस पढ़ने में लग रहे हो। अब मेरे पास भी बुक है तो ये तो नहीं ना कि मैं लेकर और ठीक है लाइनें पढ़े जा रही हूँ, तो आप भी कहोगे कि आपको क्यों सुन रही हूँ मैं। जब तक आप एक्सप्लेन नहीं करोगे तो आपका क्या फ़ायदा है, मैं आपकी वीडियो क्यों देख रही हूँ, आपको सुन क्यों रही हूँ, मैं भी बुक खरीद के ही पढ़ लूँगी, आप बुक का नाम ही बता दो। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं टेप रिकॉर्डर के अंदर या रिकॉर्डिंग में, आपको ध्यान देनी है कि आपकी स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए, आपके एक्सप्रेशन नॉर्मल होने चाहिए, आपकी वॉइस टोन बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, ओके। उसके बाद आता है, इसका प्रयोग करने से पहले विद्यार्थियों का मानसिक रूप से तैयार कर लेना चाहिए, सुनाए जाने वाले प्रकरण पर कुछ वार्तालाप कर लेना चाहिए क्लासरूम में, वही आपकी प्री प्लानिंग, ठीक है। आप कोई भी टीचिंग जब क्लासरूम के अंदर बच्चों से करवाते हो, LPs रेडी करते हो ना, कि पहले क्या करते हो, टीचर क्या करती है, प्री प्लान करती है कि मेरे को आज ये पढ़ाना है, किस किस रूप में पढ़ाना है, क्या क्या क्वेश्चनिंग करनी है, और कहाँ पे स्टॉप करना है, इससे रिलेटेड क्या क्या मुझे टीचिंग एड्स यूज़ करनी है, क्या क्या मेथड्स यूज़ करने हैं, कौन सी स्किल और एक्टिविटीज़ मैं यूज़ कर सकती हूँ, ये सारी चीज़ें क्या करती है टीचर, कोई भी प्रकरण यानी कि कोई भी टॉपिक या आपका कंटेंट पढ़ाने से पहले प्री प्लान करती है। तो रेडियो जो आपका टेप रिकॉर्डर का यूज़ किया जाएगा, उससे पहले भी आप बच्चों के को क्या है मेंटली प्रिपेयर कर लें कि आज हम इस टॉपिक के बारे में क्या है कुछ बातें सुनेंगे, वो आपकी इससे रिलेटेड है, या आपने कभी इस बातों को सुना है, कब जानते हो इन बारे में, या कुछ भी, बच्चे को पहले से प्री प्लान करना, मेंटली बच्चे प्रिपेयर हो जाए किसी भी बात को सुनने के लिए। आप क्या कर सकते हो, एक छोटा सा डिस्कशन कर सकते हो कि कुतुब मीनार के बारे में ही बताना है, या ताजमहल के बारे में बताना है, या कुछ भी ले लीजिए दिल्ली से रिलेटेड, या शाहजहाँ के बारे में, जहांगीर का लास्ट शासन था, किसी भी चीज़ के बारे में बताना है, तो बच्चों से क्या है उससे रिलेटेड मोटा मोटा डिस्कशन कर सकते हो, उनकी जिज्ञासा क्रियोसिटी बढ़ा सकते हो कि बच्चे मतलब जानने के लिए इच्छुक रहे कि ये चीज़ तो हमने कभी सुनी नहीं, ठीक है मैम आज बताएंगी तो पता करते हैं क्या चीज़ है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें क्या हैं प्री प्लान कर लेनी चाहिए आपको पहले बच्चों को टेप रिकॉर्डर स्टार्ट करने से।
ठीक है। लास्ट पॉइंट है इसके अंदर, प्रयोग करने के पश्चात अध्यापक को परीक्षण द्वारा यह पता कर लेना चाहिए कि विद्यार्थियों ने विषय वस्तु को ध्यान से सुना या नहीं सुना, अधिगम के उद्देश्य की प्राप्ति करी या नहीं करी। तो लास्ट पॉइंट में आपका वही बोला जाता है जो अब तक हम पेडागोजी और साइकोलॉजी के अंदर करते आए हैं, कि आप कुछ भी पढ़ाओ, कुछ भी समझाओ, कुछ भी सिखाओ, लास्ट में क्या है, आपको इवैल्यूएशन करना ही करना है। तो इवैल्यूएशन मतलब टॉपिक ख़त्म करने के बाद, टेप रिकॉर्डर की बात सुनाने के बाद, उसको फिनिश करने के बाद आपको ये बात पता कर लेनी चाहिए बच्चों का इवैल्यूएशन करके, क्वेश्चनिंग करके, डिस्कशन करके या किसी भी थ्रू, कि बच्चे को उससे रिलेटेड ज्ञान प्राप्त हुआ या नहीं हुआ, या जितना ज्ञान प्राप्त हुआ उसमें कोई कमी तो नहीं रह गई, या उसमें और अच्छा आप कुछ कर सकते हो तो उसके लिए, ठीक है। तो ये वाला हमारा टॉपिक था टेप रिकॉर्डर आपका ऑडियो के अंदर। अभी नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे विजुअल एड्स। और एक और चीज़, ऑडियो में ज़्यादा नहीं था, मैंने सभी इसके अंदर मर्ज कर दिए। आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो, क्योंकि टेप रिकॉर्डर के अंदर माइक्रोफोन और ये सारे जो हैं इसी के सेम डीमेरिट्स और मेरिट्स हैं और यूजेस हैं, तो इसीलिए अलग अलग सेपरेटली समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं लगी। और ऊपर से आपके पास भी टाइम अभी कम है, तो इतना किसी चीज़ को ऐसे समझ लीजिए, स्मार्टली वर्क करिए कि किसी चीज़ को इजी वे में और जल्दी से समझ आए। डीपली इतना मत घुसिए किसी भी चीज़ में कि आप बस एक ही टॉपिक में पढ़े रह जाए, ठीक है। तो आपको अपना कोर्स भी कंप्लीट करना है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी ट्राई करते हैं। और अब सेकंड क्लास में विजुअल एड्स के बारे में बात करेंगे। विजुअल एड्स आपके बहुत ज़्यादा हैं, चार्ट, मॉडल्स और रेल सेक्टर, और सभी के बारे में आपको मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। और मैं उनको स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि जो पीजीटी के बच्चे हैं, जो आपकी सोशल स्टडी से रिलेटेड हैं या हिस्ट्री के टीचर बनने वाले हैं, उनका सब्जेक्ट है, उसके अंदर चार्ट मॉडल से रिलेटेड बहुत ज़्यादा पेडागोजी में क्या है क्वेश्चंस आते हैं, क्योंकि वो उनके सब्जेक्ट में भी हैं और आपके पेडागोजी में भी हैं, ठीक है। तो ये आज की क्लास फिनिश करते हैं। थैंक यू सो मच।